परासिया में शासकीय उचित मूल्य दुकान पर POS मशीन का सर्वर डाउन होने को लेकर संचालकों ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा है। संचालकों का कहना है कि POS मशीन का सर्वर बार बार डाउन होता है, जिससे दुकान से अनाज बांटने में बहुत मुश्किल होती है, जिस कारण उपभोक्ताओं को घंटे भर से लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इसके साथ ही जो कमीशन संचालकों को मिलते आया है वो भी नहीं मिल पा रहा है। खाद्यान्न कटौती कर दी गई है, जिस कारण संचालकों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर संचालकों ने CM के नाम ज्ञापन सौंपा है। परासी वालों ने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया है। इसमें हमारी मुख्य समस्या है कि POC मशीन में 2 से 3 घंटे सर्वर रहता है, जिससे आम उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। एवं हमको लगभग जब से POS मशीन चालू हुई तब से 70 रुपये प्रति कुंटल जो कमीशन मिलना था वो आज तक नहीं मिला है, और हमारे खाद्यान्न की कटौती हो रही है हर माह। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।